हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा डी फॉर्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 है हमारा पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, तो उसी के एमसीक्यू कवर करेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो स्टार्ट करते हैं। कंटेनर्स मीट फॉर स्टोरेज ऑफ इंजेक्टेबल्स आर मेड अप ऑफ, ये पूछ रहा है जिसमें हम इंजेक्टेबल प्रिपरेशन जो होती है हमारे इंजेक्शंस वगैरह उसका जो स्टोरेज करते हैं तो हम किस टाइप के ग्लास में करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ टाइप 1 एंड टाइप ग्लास के जो बने कंटेनर्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट, एयर टाइट शील्ड कंटेनर्स आर यूज फॉर, द करेक्ट आंसर इज इंजेक्टेबल्स। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक रजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म ऑन ग्लास इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, द करेक्ट आंसर इज लिमिट ऑफ एल्किनिटी लिबरेटेड बाय इट। नेक्स्ट, कॉलेप्सिबल ट्यूब्स मेड फ्रॉम लेड इज नॉट यूज फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग ड्यू टू, द करेक्ट आंसर इज रिस्क ऑफ लीडिंग पॉइजनिंग। नेक्स्ट, सल्फर ग्लास इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडा ग्लास बाय ट्रीटिंग इट्स सरफेस विद, द करेक्ट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, फिलिंग ऑफ स्टेराइल कंटेनर्स विद कॉमर्शियली स्टेराइल प्रोडक्ट इज नोन एज एसेप्टिक पैकेजिंग। नेक्स्ट, द सीलिंग इन एसेप्टिक पैकेजिंग इज नोन एज, द करेक्ट आंसर इज हर्मेटिक सीलिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट इंक्लूडेड इन एसेप्टिक पैकेजिंग, द करेक्ट आंसर इज स्टरलाइजिंग प्रोडक्ट आफ्टर फिलिंग। नेक्स्ट, द फर्स्ट एसेप्टिक पैकेजिंग ऑफ फूड was carried out in dash, the correct answer is 1913. Next, dash process is used in aseptic packaging, the correct answer is sterilization. Sterilization process is used in aseptic packaging. Next, which of the following is a must in food labeling, the correct answer is name, standard specification, place of origin, मतलब कि all of the mentioned, जितना भी इसमें देखा है name भी, standard specification भी, place of origin भी। ठीक, thank you for watching।